लो जी आ गए बाहर कैमरा टेस्ट करने के लिए, कैमरा टेस्ट लेंस टेस्ट कैमरा टेस्ट। हेलो दोस्तों, वालेकुम अल्लाह मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके व्लॉग्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस व्लॉग में। आपका भी सबका स्वागत है हमारे व्लॉग में। आज हम हमारे एक कश्मकश दास्ता बयां करने जा रहे हैं आपसे। कश्मकश है लेंस चूज करने की, सही लेंस चूज करने की। ये मेरा नया कैमरा है सोनी अल्फा 7 III। अब ये जो कैमरा है ये क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या रीजन है, इसकी कहानी से पहले ये जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ इसकी कहानी जानना जरूरी है। तो इस कैमरा की कहानी बताने के थोड़ा इधर आओ क्या हिल कह रहे हो, नशे में हो क्या? तो ये है सोनी अल्फा 6 300। इसके साथ मैंने लिया था ये वाला माइक, ये इसका किट लेंस है और ये गोरिल्ला ट्राइपॉड लिया गया था जब हमने व्लॉगिंग शुरू की। हमने जब ब्लॉगिंग शुरू किया था मुझे एक कैमरा चाहिए था जो लाइट वेट हो और स्मॉल हो ताकि मैं पब्लिक में ब्लॉग करूं तो ज्यादा नोटिस में ना हो, क्योंकि वैसे ही घबराहट होती है पब्लिक के सामने कहां। उस वक्त मुझे जो कैमरा की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि वो लो बजट होना चाहिए, हाई फ्रेम रेट होना चाहिए, एक्सटर्नल माइक उसमें लगा होना चाहिए, वाइड एंगल थोड़ा सा होना चाहिए, कैमरे में स्टेबिलाईजेशन हो, कैमरे का ऑटो फोकस अच्छा होना चाहिए और फ्लिप आउट स्क्रीन होना चाहिए। लेकिन मुझे फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं चाहिए था। कुछ क्यों नहीं चाहिए एमएसके को फ्लिप आउट स्क्रीन क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज आपकी और जो मेरी मोहब्बत इतनी गहरी हुई है उसके पीछे एक रीजन है कि हमारे और आपके बीच में फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है, क्योंकि मोहब्बतें की शुरुआत आंखों से होती है, इसलिए हम अपनी आंखें आपको दिखाना चाहते हैं, मोहब्बतें बांटना चाहते हैं। वेल तो जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट थी वो सब पूरी हो रही थी इस कैमरे में, सोनी अल्फा 6 300 में हमने ये कैमरा परचेस कर लिया। अब हमें कैमरे की क्वालिटी इंप्रूव करनी थी इसलिए हमने लिया ये वाला कैमरा। आप थोड़ा इधर आओ, ये है सोनी अल्फा 7 III। अपनी सारी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कैमरा परचेस किया और मार्क माय वर्ड अभी के टाइम पे एक ब्लॉगर के लिए इससे अच्छा कैमरा हो ही नहीं सकता। तो अब बात करते हैं लेंसेस की। तो ये है सारे लेंस, सबसे पहले इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे वो वाले कैमरे का लेंस है और ये सारे लेंस जो है ये इस कैमरे के लिए है। सबसे पहला है Zeiss Batis लेंस 18mm 2.8, बहुत ही लाइट वेट है, इसका प्राइस 1 लाख रुपए। ये है सोनी Zeiss 1635 F4 जिसका प्राइस है 70,000 रुपए। ये है सोनी जी मास्टर लेंस 1635 2.8, ये है 1,60,000 रुपए का। अब इन सब लेंस में जो सबसे महंगा लेंस है वो ये है 2470 कैनियम लेंस। ये इतना महंगा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसको मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इसको मैं साइड में कर रहा हूं, मतलब इसको लेना ही नहीं है अपने को। कंट्रोल प्यास लग गई फिर से, एक बार पी लेते पानी फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। Alright, so अभी हमें करना है ये तीनों लेंस टेस्ट और इसके बाद में मैं ये डिसीजन लूंगा कि कौन सा लेंस परचेस करना है, विच इज वेरी टफ डिसीजन फॉर मी, बजट टाइट है। अब इसमें से कौन सा लेंस मैं लूंगा ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, बट टेस्ट करना है इस लेंस को अभी और टेस्ट करने के लिए हमें बाहर की दुनिया में जाना पड़ेगा। चलो लो जी आ गए बाहर लेंस को टेस्ट करने के लिए। लेंस को टेस्ट करने से पहले ये भी टेस्ट करना है कि रंगीला एमएसके इस लेंस के सामने कैसा दिखता है, इसीलिए पूरा रंगीन कपड़ा पहन लिया गया है ऊपर से नीचे तक। और हमारे साथ हमको हेल्प करने के लिए आ गए हैं यहाँ पर गौरव, हम दोनों मिलके लेंस का टेस्ट करेंगे और आपकी इस आपको इसका आँखों देखी एक आँखों आप भी देख सकते हो। कुछ लिस्ट बनाया गया है ये सारे लेंस को टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे वाइड एंगल टेस्ट और स्टेबलाइजेशन टेस्ट, मतलब कि मैं वॉक करूंगा और ये भी देखेंगे कि वाइड एंगल कितना आ रहा है। ये जो लेंस है ये है 1635 2.8 और 16mm पे मैं इसको रोल कर रहा हूँ। इन तीनों लेंसों में से ये सबसे भारी वाला लेंस है। हाँ लेंस चेंज करो भाई, हाथ दुख रहा है। लेंस हो चुका है चेंज, ये है Zeiss 1635 F4 सोनी Zeiss लेंस। मैं
कोई ट्रैपोड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हैंडल यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लेंस को पकड़ा हुआ है। स्टेबलाइजेशन भी थोड़ा अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम लोग चलते हैं तो हाथ ज़्यादा हिलता है, ट्रैपोड होता है, एक बैलेंस होता है। वैसे ये लेंस थोड़ा सा हल्का है, बट इससे ज़्यादा हल्का जो है वो नेक्स्ट वाला लेंस है, ज़ाइस बार्टिस 18mm 2.8। स्विच करो। अब हमने लगा लिया है ज़ाइस बार्टिस लेंस, ये है 18mm, इसमें जूम नहीं होता है और 2.8 है तो पीछे बैकग्राउंड ब्लर अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है, जो भी स्टेबलाइजेशन है वो कैमरे में है, इस लेंस में नहीं है। चल रहे नॉर्मल जैसे चलते वैसे चलते हैं, ट्रैपर व्रापर तो कुछ है ही नहीं। तो बढ़िया है, सब बढ़िया है। रंगीन कपड़ा इसलिए पहना गया है क्योंकि कलर्स जो हैं, कलर्स कैमरे के सामने कैसे दिखते हैं ये भी देखना ज़रूरी है। तीनों वीडियो जो शूट हुआ है वो नॉर्मल प्रोफाइल में हुआ है, कोई पिक्चर प्रोफाइल इसमें रखा नहीं गया है बस। ऑलराइट, सो फुटेज देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इस लेंस के वॉर में ये लेंस वॉरियर है। 1635 2.8 G मास्टर लेंस, 1,60,000 रुपये। ये जो लेंस है इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो जब मैं चल के बात कर रहा था तो इसमें ज्यादा जर्क आ रहा था। ऑल दो कैमरा में स्टेबलाइजेशन है, फिर भी वाइड एंगल अगर देखे तो ये दोनों में ज्यादा, बिकॉज ये 16mm है और ये 18mm, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को सिर्फ ये देखना था कि हाथ से अगर मैं ब्लॉक करता तो कितना वाइड एंगल आता, वो मैंने देख लिया। तो इस राउंड के विनर ये हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी होती है वो चीज़ क्यों पसंद आती है मुझे, आई डोंट नो। और उसके बाद हमने फिर किया बीरोल टेस्ट, और बीरोल टेस्ट में मैं बताऊँ मेरे को तीनों लेंस बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैं बीरोल ले रहा था, बीरोल में क्या हो रहा था कि ये जो लेंस है ये जूम नहीं होता है, तो मुझे ऑब्जेक्ट के करीब जाकर उसका बीरोल लेना पड़ रहा था। ये लेंस में थोड़ा जूम होता है बट उतना नहीं होता है, उसके लिए भी करीब जाना पड़ रहा था, तो ये एक मसला है बीरोल के लिए, बट ठीक है हम एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, बीरोल के लिए भी यही अच्छा है। थर्ड टेस्ट था हमारा ऑटो फोकस। ऑटो फोकस में तीनों लेंस अच्छे हैं, लेकिन ये जो लेंस है 2.8 वाले ये थोड़ा स्लो फोकस कर रहे थे। ये थोड़ा क्विक था, लेकिन बीरोल के टाइम ये फोकस भाग रहा था यहाँ से वहाँ, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीनों लेंस अच्छे हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। फोटोग्राफी हमने टेस्ट किया, फोटोग्राफी टेस्ट में ये वाला जो लेंस है ये पोर्ट्रेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोशिश किया हमने बट वो चेहरा थोड़ा छोटा हो जाता है। अब अगर हमें इस लेंस से पोर्ट्रेट लेना हो तो हम इसको जूम कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और वो ब्लॉक लेंस वाला फील भी आ जाता है, बट जूम करने पर सबसे अच्छा जो क्वालिटी दे रहा था वो ये दे रहा था, शार्पनेस इसकी अच्छी थी। ये भी लेंस अच्छा है, इसमें भी बैकग्राउंड अच्छा ब्लर हो रहा था, बट 1635 2.8 1,60,000। पहले जितना मैं कंफ्यूज था उससे ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूं लेंस को चूज करने में। अब कौन सा लेंस इसमें से लिया जाए, माथा घूरी गई है, मतलब दिमाग घूम रहा है मेरा, बट जल्द से जल्द मुझे कोई लेंस लेना है मेरे नेपाल ट्रिप जाने से पहले, तो स्टे ट्यून्ड देखने के लिए कि कौन सा लेंस मैं ले रहा हूँ। और आप लोग गेस भी कर सकते हैं, अगर जो लोग कट्टर वाले हैं ना उनको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा लेंस लेने वाला हूँ। बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बू ले जाओ सारे लेंस, गिव अवे, आई कैन गिव अवे, खुद की पड़ी है।
तीन टेस्ट और बचे हैं। अच्छा गवात हद गिरे वाकई यार मेरा होगा आ जाओ इसे ले। ये वाला जो लेंस है ये मेरा मूड नहीं कर रहा है यार व्लॉग बनाने।